बिल्कुल प्रिपरेशंस हम कर रहे हैं और ये सीरीज गुजर चुकी है और अभी कैंप भी लगाया हुआ है हमने। और हमारा माइंडसेट यही है कि हम लोगों ने जो है वो आपस में इतना जेल रहना है और एक दूसरे की हेल्प इतनी करनी है और प्रैक्टिस उस तरीके से करनी है कि हम लोग के पास सब कोई मतलब हम ये नहीं सोच रहे कि कोई एक्सक्यूज है, बस करना ही करना है इंशाल्लाह। और वर्ल्ड कप में पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है और फर्स्ट इन टूर्स को देखना है, उसके बाद वर्ल्ड कप को देखना है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा साहिब, आप पोटेंशियल तो सबको पता है, साइमायुब का बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट के T20 में उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सके आप जिस तरह के लोगों को मिलते हैं, क्या आप पर्सनली उससे सेटिस्फाई हैं या आपको अभी मजीद इम्प्रूवमेंट की आपकी तरफ जा रहे हैं और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? देखें सेटिस्फेक्शन तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। थैंकफुल मैं हूँ हर चीज़ के लिए और जब परफॉर्मेंस होती है तब भी थैंकफुल रहता हूँ, जब नहीं होती तब भी थैंकफुल रहता हूँ अल्लाह का। लेकिन यह है कि सेटिस्फाई मैं परफॉर्म करके भी नहीं होता और अभी भी प्रेशर ऑब्वियसली प्लेयर पे होता है और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपना प्रोसेस जारी रखूँ और उसमें ऐड करूँ और फिर रिजल्ट अल्लाह के हाथ में छोड़ूँ। सर बिल्कुल प्रोसेस है मेरा और जिस वजह से मैं टीम में आया हूँ, जिस तरीके से खेलता हुआ आया हूँ उसी को मजीद इम्प्रूव कर रहा है। तो बस यही है कि मेरी कोशिश है मैं उसी में बेहतरी लाऊँ और उसको प्रेशर की वजह से चेंज ना किया जाए और यह कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की और रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, आप भी दुआ करें। अच्छा बाबर, सही तरीका बाबर जो कैप्टन है वो काफ़ी आपको पसंद करते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं साइम एक बड़ा पोटेंशियल वाला प्लेयर है और वो आपके साथ ओपनिंग करना भी पसंद से करते हैं, क्या आप इस चीज़ को कोई प्रेशर समझते हैं या एक कप्तान की तरफ से इतनी बड़ी हिमायत आपके लिए सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है? बिल्कुल एंजॉयमेंट तो है बट ये है कि प्रेशर भी होता है क्योंकि बड़ा लेवल है, एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं और आपको अपने गेम में स्टैंडर्ड रखना पड़ता है हर चीज़ में, तो प्रेशर ऑब्वियसली होता है लेकिन मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेता हूँ और जैसा कि मैंने कहा कि प्रोसेस पे फोकस करता हूँ, अल्लाह के हाथ में छोड़ता हूँ। ओके सर।